हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम है सर्कल्स। वैसे तो सर्कल्स जो है ये वर्ड सुनते ही हमारे जो डेली लाइफ से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, ये सब शेप आपको सर्कुलर लगेंगी। आप बहुत सारी चीज़ों को इनसे अलग भी आपके दिमाग में सोच सकते हैं जिनका शेप सर्कुलर होता है। तो सर्कल्स हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का, लाइक टायर्स। ये एक ऐसा इन्वेंशन है, इसका शेप सर्कुलर होता है। सिर्फ इस इन्वेंशन की वजह से मैनकाइंड जो है अपना ट्रेवल टाइम बहुत ही कम कर पाया है। सो आप मान सकते हैं कि सर्कुलर शेप का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। सो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि सर्कल होता क्या है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि सर्कल वो चीज़ होता है जब बहुत सारे पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे हों, एंड जब ये बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, इससे भी ज़्यादा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो एक सर्कुलर शेप कुछ ऐसा दिखेगा हमें, जिसमें हमें पॉइंट्स तो नज़र नहीं आएंगे बट एक्चुअली सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स का एक मिश्रण होता है या फिर कहें कॉम्बिनेशन होता है। नाउ आप देखें कि हम वेरियस केसेस को अपना ऑब्जर्व करते हैं जब एक लाइन एंड एक सर्कल साथ में होते हैं। केस नंबर वन, जब द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, इन दिस केस पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। इस केस में आप देख रहे हैं कि लाइन हमारा जो पी क्यू है एंड जो सर्कल है, इनका आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब ये लाइन सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये लाइन जो है वो एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल। नाउ हम देखते हैं केस नंबर टू। इस केस में देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दैट द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव। इन दिस केस वी कॉल द लाइन पी क्यू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। इस केस में आप देखें तो जो सर्कल है एंड जो लाइन है पी क्यू, इन दोनों में दो कॉमन पॉइंट हैं ए एंड बी। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये लाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, उसका एक सीकेंट है, मतलब सीकेंट ऑफ द सर्कल है। ओके, अब देखते हैं केस नंबर थ्री। इन दिस केस देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड दिस सर्कल। इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू दिस सर्कल। इस केस में आप देखेंगे तो जो सर्कल है एंड लाइन पी क्यू है, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ए, मतलब ये लाइन जो है बिल्कुल इस सर्कल की बाउंड्री से छूके जा रही है। इससे अलग इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। सो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो लाइन है पी क्यू वो एक टेंजेंट है इस सर्कल पे। इन टर्म्स का हम यूज करेंगे अपने चैप्टर में काफी सारे थ्योरम्स प्रूव करने में एंड प्रॉब्लम्स प्रूव करने में। सो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जब भी हम यूज करें कि दिस लाइन इज अ टेंजेंट, दिस लाइन इज अ सीकेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि सीकेंट क्या है एंड टेंजेंट क्या है। सो इस वीडियो में इतना ही। ओके गाइज, थैंक यू। TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग।